हेलो एवरीवन, और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे। तो बस यहाँ पर ये रक्षाबंधन का जो पर्व हम लोगों ने मनाया उसी का छोटा सा वीडियो आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने किस तरह से मनाया अपना ये रक्षाबंधन का त्यौहार और आप लोगों ने किस तरह से मनाया कमेंट करके बताइएगा। और मैं जो बना रही हूँ आप देख ही रहे हैं। तो बस एक सबसे छोटा वाला भैया है ना, वो तो उनकी वाइफ को लेके उनके मायके गए हैं भाभी के, और यहाँ पर ये दोनों भैया हैं। तो बस यहाँ पर हमेशा मैं ये गलती करती हूँ, पहले हमेशा नारियल को तिलक और वो जो तंबोली धागा होता है ना वो बांध के और भैया को चिल्लाना चाहिए या रुमाल हो उसको रख के, और लेकिन हमेशा मैं पहले तिलक कर देती हूँ और बाद में ये नारियल झिलाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने नारियल बाद में झिला दिया था, पहले तिलक कर दिया था। और ये बड़े वाले भैया हैं मेरे। ये साल भर का त्यौहार रहता है जिस दिन बहुत खुशी रहती है और दोनों मतलब भाई बहन एक दूसरे का वेट करते हैं। हाँ बाकी ऐसे हम लोग बीच में कितने आ जाए चले जाएँ लेकिन उसका मतलब कोई वो नहीं रहता, लेकिन ये जो त्यौहार रहता है ना त्यौहार का अलग ही महत्व रहता है। तो यहाँ पर दोनों भैया की पसंद की मिठाई लेके आई और वही बात पर मैं हंस रही थी। तो यहाँ पर छोटे वाले भैया की पसंद की मिलाई हूँ, बड़े वाले भैया की पसंद की लेके आई हूँ। और बाकी तो सबको पसंद आ जाती है जो मिठाई लेके आई हूँ ना मैं, और बंगाली मिठाई किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर बस ये देखो पहले राखी पे सिर्फ मैं ही बांधती थी राखी पे, और लेकिन अब मेरे जो बच्चे हैं ना वो भी उनके भाइयों को राखी बांधते हैं, इसलिए अब हम लोगों ने ये डिसाइड कर रहा है कि मैं मेरे भैयाओं को राखी बांधूंगी, भतीजों को नहीं बांधूंगी, और भतीजों को उनकी बहनें बांध देंगी, मतलब कि मेरी जो लड़कियां हैं ना वो बांधेंगी। यहाँ पापा हैं तो पापा को हमेशा अधिकतर बहुत कम चांस होता है कि उनकी सिस्टर आती है, अधिकतर मैं ही राखी उनको बांधती हूँ। तो यहाँ पर बस इस तरह से हमारा जो फेस्टिवल है ना वो हम लोगों ने मनाया, बहुत ही अच्छा लगा था। और शाम को फिर हम लोग गए थे अन्नपूर्णा, तो उसका भी छोटा सा क्लिपिंग आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अन्नपूर्णा जो इंदौर में अन्नपूर्णा माता का मंदिर है ना वो देखने गए थे, और काफ़ी वहाँ पर है ना नया बना दिया, काफ़ी समय हो गया उसको तो बने हुए, लेकिन मैं बहुत समय बाद गई थी वहाँ पर। यहाँ पर भाभी थे तो इनको भी मैं राखी बांध रही हूँ, और ये भाभी जो है ना ये बहुत कम जा पाती हैं इनके मायके राखी वाले दिन, क्योंकि मैं आ जाती हूँ ना तो फिर ये रुकती हैं, अधिकतर रुकती हैं ये। और फिर बच्चों के भी एग्ज़ाम है तो इस वजह, बच्चे जब छोटे छोटे रहते हैं ना तब तो हम काफ़ी समय अपने मायके में रुक जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं ना तो उनकी पढ़ाई का जो टेंशन है ना वो हम पे भी हावी हो जाता है। तो हमको भी थोड़ा बच्चों को देखते हुए उसी तरह से हर चीज़ को सेलिब्रेट करना पड़ता है। देखो पापा क्या सिखा रहे हैं मेरे गुलाब जामुन दिया उनको मैंने खाने के लिए। अभी पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है इसलिए उनको थोड़ा परहेज भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अब उनका शुरू हुआ खाना पीना। यहाँ पर मम्मी को भी मैं राखी बांध देती हूँ, पहले वो लटकने वाली राखी लाते थे लेकिन खोल के रख देते थे ना, इसलिए मैंने इस बार बहुत ही सिंपल सिंपल सी राखी लेके आई हूँ। मेरा त्यौहार तो बहुत अच्छा रहा, आप लोगों का कैसा रहा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलती हूँ।